हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वतः जी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। ऐसा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। हम आज कटिंग करेंगे ब्लाउज पे। यह है हमारा ब्लाउज का कपड़ा। ये हमारा कपड़ा है 1 मीटर। हम आप लोग को नाप के दिखाते हैं। ये देखिए हमारा लाइनिंग में कपड़ा है। ये है 1 मीटर। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा 1 मीटर है। ये देखिए 6 सेंटीमीटर। और ये हमारा नाप है। हम आप लोग को नाप के दिखाते हैं हम कैसे ब्लाउज बनाएंगे। हम अब इसको नापते हैं ब्लाउज को। ये ब्लाउज की लंबाई, हमारी ब्लाउज की लंबाई जो है ये है, ये देखिए 12.5 इंची। इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई ये देखिए 10 इंची, 10.5 इंची है इसकी चौड़ाई। ये 10.5 इंची। हम इसको 1.5 इंची का कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे जो सिलाई में जाएगा। अभी हम आप लोग दिखाते हैं। ये हमारा कपड़ा है, इसको हमने 2 पार्ट में फोल्ड कर लिए हैं। ये है, इस तरफ खुले भाग की तरफ कंधी रहेगी, बंद भाग की तरफ गला बनाएंगे हम। इसी तरह से ब्लाउज कटिंग करें, नहीं तो ख़राब हो जाता है। अगर कंधे की तरफ, अगर खुला भाग की तरफ जो है गला काटेंगे तो बेकार हो जाएगा। गला जब भी काटना है ब्लाउज या सूट में, बंदी भाग की तरफ पड़ता है। आप लोग को हम दिखाते हैं नाप के। ये ब्लाउज की लंबाई, हमारी ब्लाउज की लंबाई है रेडी, बन के तैयार है 12.5। अब हम इसको कटिंग करेंगे 15 इंच पर, क्योंकि 2.5 इंची हम स्ट्रेट ले रहे हैं। 2.5 इंची एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं कि 2 इंच हमारे नीचे की तरफ मोड़ने में चला जाएगा, 1 इंच ऊपर कंधे सिलाई में चला जाएगा। आप लोग को निशान लगा दिखाते हैं। अब हमारे वीडियो में तक बना रहे हैं। ये देखिए, अब इसकी गलत गहराई हमको करना है 8.5 इंच। तो हम यहाँ 8.5 के निशान लगा ले रहे हैं। अब हमको गलत चौड़ाई 2 इंच 2 पॉइंट रखनी है। हम इसको यहाँ लगा ले रहे हैं निशान। अब हमको कंधी रखना है 3 इंच चौड़ाई, तो हम यहाँ निशान लगा ले रहे हैं। अब हम इसको जो है गले कंधी की जो है गहराई रखना है 6 इंच, तो हम यहाँ निशान लगा ले रहे हैं ऐसे इस तरह से यहाँ पर। अब हमने सब निशानों को लगा लिया। हम इसको ऐसे मिलान कर देंगे इस तरह से। आइए देखते हैं, देखिए इसको हम इसको 6 से 6 को मिला देंगे ऐसे। अब इसको भी ऐसे मिला देंगे इस तरह से ऐसे। अब हम गले को, ये हमारा 2 इंच 2 पॉइंट है, यहाँ हम 2.5 ले लेंगे क्योंकि थोड़ा चौड़ाई रखना है गले की हमको। तो हम यहाँ 2.5 ले रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे मार्क कर दे रहे हैं। अब हमको इसको 2 इंच 2 पॉइंट का निशान जो है, इसको हमको 2.5 से ऐसे यहाँ मिलान कर देना है। ये हमारा पीछे भाग है, ये हमारा पीछे पार्ट है। हम इधर काटेंगे आगे का। अभी हम पीछे पार्ट में आप लोग को निशान लगा दिखा रहे हैं। ये हमारा ब्लाउज, हम इसको बनाएंगे बेल्टदार। अभी हम आप लोग को आगे पार्ट दिखाएंगे। हम इसको अलग अलग पार्ट में कटिंग कर रहे हैं। आगे पार्ट जो है हम बाद में काटेंगे, पहले पीछे कर ले रहे हैं। ये देखिए हमारा निशान लग के रेडी हो गया। अब हम इसको गले गोलाई और कंधी गोलाई करेंगे। आप लोग को दिखाते हैं कैसे करते हैं। ऐसे चौक के मदद से ऐसे इसको मार्क कर लेते हैं इस तरह से ऐसे। ये हमारे गले गोलाई रेडी हो गई है। हम कंधी गोलाई करेंगे। देखिए कंधी गोलाई जो है पीछे पार्ट में 1.5 इंची गहराई लेनी है इस तरह से। हम लोग को हम दिखाते हैं, अभी दिखाए नहीं है इस तरह से। यहाँ से ये देखिए 1.5 इंची से इसको ऐसे गोलाई लेना है ऐसे। हमारा पीछे पार्ट पे ये लग के रेडी हो गया निशान। अब हम आप लोग को आगे पार्ट में निशान लगा के दिखाते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हम आगे कॉर्नर चलाए निशान लगाकर आप लोग को दिखा रहे हैं। हमारा आगे गला रहेगा 6.5 इंची। ये देखिए हम यहाँ 6.5 पर मार्क कर ले रहे हैं और चौड़ाई हम इसके रखेंगे 2 इंच 2 पॉइंट, तो हम यहाँ पर मार्क कर ले रहे हैं। अब स्केल में 10 से इसको हम ऐसे इसको लाइन ऐसे बना देंगे इस तरह से ऐसे। अब हमको कंधे 6 इंच रखनी है लंबाई। अब इसको ऐसे ला देना है। अब हमको इसके बेल्ट कनाल लेना है, तो बेल्ट हम रखेंगे इसके लंबाई इसे कटिंग करेंगे यहाँ से 5 इंच 2 पॉइंट पे, तो हम यहाँ निशान लगा ले रहे हैं। अब हम यहाँ का जो है काटेंगे कंधे की तरफ से नीचे बेल्ट के लिए बगल साइड का ये कटेंगे 7 इंच, तो हम इसको 7 पे मार्क कर ले रहे हैं। अब हम इसको ऐसे हम आप लोग को दिखाते हैं, ऐसे इसको मार्क कर ले। फिर यहाँ पर ऐसे स्केल की मदद से ऐसे हल्के हल्के ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऐसे गोलाई देते हुए इधर ऐसे मार्क कर दें अच्छे से ऐसे इस तरह से। ये हमारा निशान लग के रेडी हो गया है। अब हम इसका बेल्ट निकालेंगे, तो हमारा टोटल लंबाई इसकी 17 इंच, तो हम इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर दे रहे हैं। ये देखिए हमारा निशान लग के रेडी हो गया है। अब हम इसमें क्या करना है मेरे को, अब इसमें हमको गोलाई करनी है गले के लिए, तो हम इसकी गलत गुलाई इस तरह से कर दे रहे हैं ऐसे। ये हमारा गलत गुलाई रेडी हो गई। अब हम इसको करेंगे कंधी गुलाई, तो ऐसे हम यहाँ पर ऐसे कंधी गुलाई ऐसे कर दे रहे हैं। ये हमारी कंधी गुलाई लग के रेडी हो गए। हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं, आप कैसे मदद से इसकी कटिंग कर ले रहे हैं इस तरह से। ये हमारा आगे पार्ट का गला है, गला पहले काट रहे हैं। अब हम दोनों गला इस तरह से निकाल देंगे इसे। ये देखिए हमारा गला कट के रेडी हो गया है। अब हम इसकी कंधे अलग कर ले रहे हैं इस तरह से। हम इसके बेल्ट कटिंग कर दे रहे हैं इस तरह से। ये देखिए हल्का गोलाई करते हुए इस तरह से। बेल्ट के यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हम कंधे के इस तरह से काट के निकाल दे रहे हैं। हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो गया है। हम आप लोग को बाजू कटिंग दिखाते हैं काट के। अभी आइए आप लोग को हम बाजू की कटिंग दिखाते हैं। हमारा कपड़ा है, इसको 4 लेयर में हमने फोल्ड कर लिए हैं। हम इसको कटिंग करेंगे, आप लोग को दिखा रहे हैं। हमारे बाजू की लंबाई है 4 इंच, तो हम इसको काटेंगे 6 इंच, क्योंकि हमको इसमें तुरपाई भी करनी है, तो हमने ये 6 पे मार्क कर ले रहे हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ 6 हमारे लग के रेडी हो गए। हम यहाँ 2.5 पे लगाएंगे गहराई की तरफ। ये हमारी बाजू की लंबाई चौड़ाई जो है 10 इंच है। अब इसमें हम यहाँ 1 इंच का यहाँ लगा दे रहे हैं नीचे। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे, निशान लगा देंगे, इसको ऐसे गहराई से मार्क कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा निशान लग के रेडी हो गया है। ऐसे हम इसकी कटिंग कर देंगे अब इस तरह से। हमारी बाजू भी कट के रेडी हो गई है। ये देखिए हमारा ब्लाउज भी कट के रेडी हो गया है।
हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।